यहाँ पे देखिए हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम ये देखिए थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे जब हम कोटी कर देंगे और उसके बाद फिर बिल्कुल करारेदार बनाएंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा काला नमक लिए हैं, आप चाहे तो नॉर्मल नमक जो डेली यूज़ में यूज़ करती हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर में ये काला नमक डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम हल्दी डाल दिए हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरह से हम मिला लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये करारा होगा, अंदर से मुलायम और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो इस तरह से जब आप बनाएंगी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आज हम थोड़ा सा अलग टाइप का बनाएंगे पनीर। तो इस तरह से देखिए हम मिक्स कर लिए हैं, तो अब चलिए हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और हम इसको पहले हम फ्राई करेंगे। तो अब इसमें देखिए हम यहाँ पे हम एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो इस सब को हम क्या करेंगे, तो अच्छे से हम पहले हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हम पहले मिक्स करेंगे और आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी डाल दिए, पिसा हुआ काली मिर्च डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम भी थोड़ा सा हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा हम काली मिर्च डाल देंगे और इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो मेरा पनीर है वो फीका फीका नहीं लगेगा, जो बाद में जो फीका फीका लगता है तो आपको फीका नहीं लगेगा, इसमें टेस्ट बिल्कुल आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम फ्राई पैन चढ़ा लिए हैं, इसमें हम ऑयल रख दिए हैं और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम पनीर डाल देंगे, जो पनीर हम मिक्स करके रखे हैं। तो इस तरह से हम पनीर डाल देंगे और अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे, इसको बिल्कुल हम करारा करेंगे इस तरह से। रखे हम डाल लेंगे तो ये देखिए हम जितना था तो सब हम इसमें डाल लिए हैं। और डालने के बाद अब हम इसको अभी नहीं पलटेंगे, इसको हम बिल्कुल हम क्रिस्पी बनाएंगे इस तरह से, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए हम टेस्पून ले लिए हैं, तो यहाँ पर हम दो टेस्पून यहाँ पर हम सोया सॉस डालेंगे, ब्लैक सोया सॉस हम यहाँ पर में दो टेस्पून देखिए हम डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एक टेस्पून ग्रीन सॉस लिए हैं, तो ये भी हम डाल देंगे। और अब यहाँ पे देखिए तो हम चिली सॉस लिए हैं, रेड चिली सॉस लिए हैं, तो इसको भी हम डाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम भर के दो चम्मच यहाँ पे हम टमाटो केचप डालेंगे इस तरह से देखिए। अब क्या करेंगे, तो इसको हम अच्छे से हम यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से देखिए, हम मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम रेड चिली हम और डालेंगे इस तरह से देखिए। और अब देखिए इसको हम मिक्स कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये पनीर जो है ये मेरा देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है इस तरह से, ये देखिए। तो
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए, तो ये हम इस तरह से देखिए हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अभी हम दिखाते हैं जो ये कितना क्रिस्पी है इस तरह से। एक और बच गया है, उसको भी हम निकाल लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए कितना क्रिस्पी। तो इसी तरह से बनाना है, बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमको नहीं डालना है, लेकिन हम यहाँ पे जीरा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर में देखिए थोड़ा सा हम डाल दे रहे हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हम यहाँ पे हींग डाल देंगे इस तरह से। देखिए हम थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम जो सब्जी लिए हैं, ये हम 8 से 10 कली रे हम लहसुन का ले लिए हैं, 4 हम हरी मिर्च काट लिए हैं, और बारीक हम यहाँ पर में ये देखिए हम लाल वाली शिमला मिर्च और रेड वाली शिमला मिर्च और ये ग्रीन वाली भी हम दोनों काट लिए हैं, और प्याज हम इस तरह से काट लिए हैं। तो देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर में हम सबसे पहले हम यहाँ पर में ये देखिए हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद ये देखिए हम जो हम ये और ये लिए हैं लहसुन लिए हैं, तो इसको हम लंबे लंबे थोड़ा सा चौड़े पीस में काट दिए हैं इस तरह से, ये देखने में अच्छा लगेगा। तो अब हम देखिए यहाँ पे डाल दिए हैं, और अब हम इसको भी डाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम कुछ बारीक टमाटो भी काट लिए हैं, टमाटो भी काट लिए हैं। उसके बाद ये देखिए, तो पहले हम थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए हम भून लेंगे, यहाँ पे इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा मुलायम करना है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पका लीजिए, नहीं थोड़ा सा अगर कड़े टाइप में रखना है तो थोड़ा सा अगर कड़ा ही रखना है तो आप इस स्टेज पे क्या करें, जो जो मसाला हम लोग बना के रखे हैं, मसाला में क्या जो ये टमाटो सॉस और जो हम लोग ये सॉस बना के रखे हैं तो वही डालना है इसमें। तो इस तरह से देखिए हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब हम ये प्याज भी इसमें डाल देंगे, और प्याज को भी हमको ज़्यादा नहीं गलाना है। तो यहाँ पे देखिए हम टमाटो ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसे डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं इसमें, इसका भी टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा ये डालने से। तो इस तरह से देखिए हम पका लेंगे, और इसको ज़्यादा नहीं पकाइएगा, इस तरह से थोड़ा सा इसको मुलायम करना है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा थोड़ा हम इसको मुलायम करेंगे ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी तरह से हमको सॉफ्ट करना है, और हम अब ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस तरह से देखिए जो हम मिक्स ये देखिए सॉस जो सब सॉस मिलाए हैं, जो सॉस सब मिलाए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरह से हम डाल लेंगे। तो ये देखिए, और अब हम यहाँ पे इसको हम साथ में ही पका लेंगे। तो गैस यहाँ पे हम धीमा कर लिए हैं, तो थोड़ा सा हम सॉस के साथ भी हम ऑनियन को और ये शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो भी हम लिए हैं, तो हम सॉस के साथ भी हम पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम डाल दिए हैं,
और अब हम साथ में इसको पकाएंगे, बस एक मिनट के लिए हम साथ में पका लेंगे इस तरह से ढक के। तो अब यहाँ पे देखिए एक मिनट हो चुका है और अब हम इसको इस तरह से हम चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, आप देख सकती हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए इसको, तो ये देखिए ये अब बिल्कुल लगभग ये तैयार ही हो चुका है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ये बिल्कुल हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये देखिए हम पनीर डाल देंगे और डाल के फिर हम इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर इसका आया है, आप देख सकती हैं। तो जब इस तरह से आप चिली पनीर बनाएंगे तो आपको ये लगेगा जो हम पहले क्यों नहीं देखे, तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा चिली पनीर, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है। तो इसका कलर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कितना बढ़िया कलर है, तो कलर पे मत जाइएगा, कलर भी अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। यहाँ पे देखिए हम आधा चम्मच यहाँ पे हम नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम नहीं डाले थे। नमक यहाँ पे आप ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जो सोया सॉस रहता है उसमें भी नमक का मात्रा रहता है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नमक नहीं डाले हैं। और अब देखिए आप देख सकती हैं, ये देखिए कितना बढ़िया मेरा ये चिली पनीर बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ एंजॉय करिएगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे तब भी हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। यहाँ पे देखिए गैस बंद कर देंगे हम, और हम थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ती का गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे इस तरह से। तो आप देखिए आपका चिली पनीर बनके तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अब चलिए हम प्लेट में आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा जो आपको ये रेसिपी कैसा लगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनाते हैं हम बहुत दिल से बनाते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग इंजॉय करिए और अपने फैमिली के साथ ढेर सारा एंजॉय करिए, बहुत सारा एंजॉय करिए, और नए नए डिशेज हम आपके लिए इसी तरह हम बनाते रहेंगे। लेकिन आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए चिली पनीर बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया, कितना अमेजिंग, कितना टेस्टी, इतना सुंदर इससे खुशबू आ रही है जो हमसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। और तो ये देखिए इस तरह से चिली पनीर बन के तैयार हो गया है आप लोग के लिए। तो आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो को और अपने घर में बनाइए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकती हैं, तो ये देखिए चिली पनीर आप लोग के लिए बन के तैयार हो चुका है। तो कितना बढ़िया, कितना अमेजिंग है और कितना टेस्टी है। तो ये आप कलर देख करके ही आप महसूस कर सकती हैं जो कितना बढ़िया और कितना टेस्टी, कितना अमेजिंग बना है। तो इस तरह से आप अपने घर में बनाइए और इन्जॉय करिए, और अच्छा लगा रेसिपी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए हम बहुत दिल से ये वीडियो बनाए हैं। तो आज देखिए हम आप लोग के लिए बहुत ही यूनिक डिश बनाए हैं। तो आज हम चिली पनीर बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी है, आप इसको तंदूर रोटी के साथ खा सकती हैं, सादा रोटी के साथ खा सकती हैं, आप चाहे तो कुलचा के साथ खा सकते हैं, नान रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो सादा रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं इस तरह से, तो बहुत ही आपको टेस्टी बनेगा। हम इसका मंचूरियन भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर अपने घर में बनाइए।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और ये देखिए अंदर से कितना क्रिस्पी है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से कितना मुलायम है, ये देखिए। इस तरह से हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, तो ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर, कितना अमेजिंग। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए बिना सब्सक्राइब करिए आप लोग मत जाइएगा, और भूल जाती हैं आप लोग, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।